लोकसभा समावेश लाइव द्वारा चूदा। अगर करने का विचार है तो कितना कोर्ट उत्तर प्रदेश में करेंगे? धन्यवाद सर। जो पेंडेंसी ऑफ केसेस इस देश में है, लगभग 4 करोड़ से ऊपर टोटल केसेस पेंडिंग है, और ज़्यादातर केसेस जो पेंडिंग है वो लोअर कोर्ट में है। तो लोअर कोर्ट्स में जो केसेस पेंडिंग है वो बहुत बेसिक है। मैं अभी अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक समारोह हुआ जिसमें मुझे सम्मानित किया गया, तो वहाँ पर मैंने जो बात कही है वो मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि हम ये मानते हैं कि लोअर कोर्ट में जो गरीब है, आम जनता है, अगर उसको 10-10 साल न्याय नहीं मिलेंगे तो फिर ये हमको सोचना होगा, ये चिंता की बात है। अगर लोअर कोर्ट में 3 साल से ज़्यादा कोई भी पेंडिंग हो जाता है तो मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत चिंता करना चाहिए सबको। और जुडिशरी का एक प्रक्रिया है, मैं जुडिशरी का काम के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जुडिशरी को सपोर्ट देने के लिए सरकार तैयार है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में कैबिनेट डिसीजन के माध्यम से कई स्ट्रक्चर सपोर्ट करने के लिए लोअर जुडिशरी के लिए सैंक्शन किए हैं, कोर्ट हॉल्स के लिए, लॉयर्स हॉल के लिए, टॉयलेट के लिए, और काफ़ी संख्या में जो कमियां थी इंफ्रास्ट्रक्चर का उसको पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और राज्य सरकारों से मैं अपील करना चाहता हूं इस हाउस में सर आपके माध्यम से कि वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में साथ दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जजेस का अपॉइंट हो सके, और जजेस के ज़्यादा संख्या होने से पेंडेंसी ऑफ द केसेस में कमी आएगी। ये एक रेशियो आपस में मिला हुआ है, तो मैं मानता हूँ कि हमारे ये प्राथमिकता रहेगा कि जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस स्पेशली लोअर कोर्ट में है, इसको जितना भी हो सके हम पेंडेंसी का संख्या को कम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 श्री शंकर लालवानी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार के साथ उस प्रश्न का उत्तर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी क्या बोले माननीय सदस्य 2020 में प्रश्न संख्या 1, 2, 3। धन्यवाद मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार के साथ प्रश्न का उत्तर दिया, उसके लिए उनको धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2020 में खनिज कानून संशोधन बिल पास किया गया। इसमें बहुत सारे पुराने अनावश्यक प्रावधानों को हटाया गया, खनन की एक खुली नीति बनाई गई है, सिंगल विंडो के माध्यम से क्लियरेंस पॉलिसी का सरलीकरण और पारदर्शी और हेल्दी कॉम्पिटिशन के लिए ये नीति बनाई गई है, जिसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने कोयला आयात कम करने के लिए और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई नीति बनाई है क्या? अगर बनाई है तो बताएं, और इससे कितनी विदेश मुद्रा की बचत होगी ये मैं जानना चाहता हूँ। सर, जैसे माननीय शंकर लालवानी जी हमारे सदस्य ने कहा, तो कोयला क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा बदलाव हमने लाया है। जो लोग अभी चिल्ला रहे हैं वही लोग 2014 से पहले ये लोग डिस्क्रिशन सब डिस्क्रिशन इनके पास ही थे। जहाँ से पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस से चिट्ठी आता था
वो चिट्ठी के आधार पर अलॉटमेंट होता था, वो लोग अभी आके जो सदस्यों का प्रश्न का उत्तर सुनना चाहिए, प्रश्नोत्तर सदस्यों का अधिकार है, 350 लोगों से ज्यादा सदस्य प्रश्नोत्तर चाहता है, फिर भी ये बाधा हर रोज 6 दिन से 7 दिन से डाल रहे हैं। मैं ये खंडन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जो इंपोर्ट होता था, इंपोर्ट में दो तरह का इंपोर्ट का है, एक तो पहला तो कोकिंग कोल का इंपोर्ट होता है, कोकिंग कोल पर्याप्त मात्रा में हमारा पास नहीं है, वो कोल हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें भी जो हमारे पास अवेलेबल कोकिंग कोल है जिसमें ऐश कंटेंट ज़्यादा है, वो ऐश कंटेंट कम करने के लिए वॉशिंग का व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। जहाँ तक थर्मल कोल का व्यवस्था है, थर्मल कोल का कोल इंडिया को हमने निर्देशन दे चुका है कि कोल इंडिया जहाँ जहाँ अभी कोल मॉनिटरिंग सिस्टम भी हमने कोल इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी हमने शुरू किया है, जहाँ जहाँ इंपोर्ट हो रहा है वो इंपोर्ट मॉनिटर करके मैंने कोल इंडिया का चेयरमैन और कोल इंडिया का डायरेक्टर को निर्देश दिया हूँ कि सभी जो इंपोर्ट कर रहे उनके पास जाके हमारा कोयला ऑफर करना चाहिए, इंपोर्ट कम करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है यूपीए कालखंड में